हेलो एवरीवन, मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को साइनाज किचन में स्वागत है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं और तरह तरह का फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आज जो फेस्टिवल मैं मनाने जा रही हूँ ये है पोंगल। ये साउथ की फेस्टिवल है और मैं जो रेसिपी आप लोग को दिखा रही हूँ ये भी पोंगल के ऊपर से है और साउथ की रेसिपी है। मैं जिस तरह से सीखी हूँ उसी तरह से आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये दो तरह के बनते हैं, एक नमकीन में बनते हैं, एक मीठे में बनते हैं। ये मकर संक्रांति के अवसर पे बनाया जाता है। तो हमारा इंडिया बहुत ही खूबसूरत है जहाँ तरह तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंडिया का खास दिन का खास रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से बनाया जाएगा ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं मूँग की दाल ली हूँ, येलो मूँग की दाल। इसे थोड़ा मैं भिगो कर अच्छे से वॉश कर दी हूँ। और ये चावल, पूरा नए वाले चावल जो मकर संक्रांति के अवसर पे इसे बनाया जाता है, वो मैं ली हूँ 1 कप भर के। और उसमें 1/2 कप दाल ली हूँ मूँग की, और काजू किशमिश गुड़, छोटी इलायची का पाउडर और ऑयल, या तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके मैं एक छोटी सी कुकर चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मैं इसी कप में 1 कप राइस ली हूँ इसलिए मैं छोटी कुकर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें लौंग और छोटी इलायची डालेंगे। लेकिन जो साउथ में बनते हैं ये सब यूज़ नहीं होता, मैं डालती हूँ। ये मूंग की दाल डालेंगे, इसे थोड़ा भून लेंगे, हल्का सा राइस को भी ऐड कर देंगे। और 1 कप राइस में 1/2 कप दाल डालेंगे। अब हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़े से मैं भुनी हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। जैसे 1 कप में 1.5 कप डालते हैं कुकर में, तो मैं 3 डाली हूँ। ये मिल्क डालना है 1, और भी डालूंगी मैं मिल्क। पहले थोड़ा मिक्स कर लूँ। पानी और दूध मिल्क जैसा 4 कप होंगे, तो मैं और थोड़ा दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, ये और थोड़ा डाल दे रहे हैं। अब हम इसे 4 से 5 व्हिसिल देंगे, जैसे सारे राइस अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगे, जैसे खीर बनते हैं वैसे ही। इसकी एक और एक तरीका है, जो नमकीन बनाते हैं उसमें करी लीव्स, सरसों की दाना ये सब डाल के उसमें भी काजू और किशमिश गिरते हैं, प्लस हल्दी ये सब गिरते हैं, जैसे ब्लैक पेपर ये सब गिर के बनते हैं। तो मैं लेकिन वो नहीं बना के मीठे में बना रही हूँ। थोड़ा मैं ऑयल डालती हूँ पैन में, ताकि मैं काजू और किशमिश को थोड़ा फ्राई कर पाऊँ। काजू को भी थोड़ा फ्राई करके फिर किशमिश को। अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर मैं अभी थोड़ा गुड़ को मेल्ट कर लूँ। आप अपने अंदाज से गुड़ लेंगे। अब मैं थोड़ा इसमें पानी डालती हूँ, इसे भी अच्छे तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये गुड़ अब मेल्ट होने लगे हैं, इसे अच्छे से मेल्ट करके मैं इसमें स्ट्रेनर में छान लूँगी। देखो कुछ इस तरह से ये बनेंगे। देखिए, ये देखिए पूरी तरह से मैश हो गया राइस और दाल। अब मैं इसमें डालूँगी ये गुड़ का जो मेल्ट किया हुआ है। इसे मैं इसलिए मेल्ट की कि जल्दी भी हो जाएंगे, प्लस में इसमें जो रहते हैं थोड़ा गंदगी वो भी दूर हो जाएंगे। अब मैं इसे सब नहीं डालूंगी, इसे कुछ रख लूंगी, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा मिक्स करके गैस ऑन करते हैं। अब इसे इसमें डाल देती हूँ काजू और किशमिश। इसे थोड़ा हम
अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे थोड़ा कुक होने देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए ये बन रहा है, मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ मीठा कितना हुआ है। परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार। इसे हम और थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा देरी, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। ये मेरी एक फ्रेंड थी साउथ इंडियन में, उससे भी सीखी थी, तो उन लोग कुछ इसी तरह से बनाते हैं। ये चावल जो है ये बहुत ही नया चावल है, जो साथे साथ डालते ही मेल्ट हो जाते हैं उसी तरह से, और इसमें खुशबू भी होते हैं। ये अब कंप्लीट हो गया, मैं अब इससे सर्व करती हूँ। आज की पोंगल वाली रेसिपी आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। आप लोग को पोंगल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ये साल आप लोग का बड़े खुशी से गुजरे। वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, आने वाला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए।